हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में कुछ हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले, अगर आप लोगों ने एक्सेंचर में अप्लाई ना किया हो तो एक बहुत ज़्यादा हाई रिवर्ट वाली हायरिंग है एक्सेंचर की तरफ से, जिसको मैंने कल पोस्ट किया था। इसमें आप लोग जरूर अप्लाई कर देना, इसकी लिंक मैं आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड कराऊंगा। रिवर्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, विद इन 48 आवर्स आपको रिवर्ट आ सकता है, मतलब 2 दिन के भीतर अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर रिवर्ट्स आ सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसमें अप्लाई कर देना, इसकी लिंक आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा मैं। देन बात करते हैं हिताची की। तो हिताची की तरफ से हमें एक नई हायरिंग देखने को मिल रही है, एंड अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है पावर प्लस ट्रेनी, और ये फुल टाइम होने वाली है फॉर इंटर्नशिप्स एंड दिस फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस। एंड यू कैन सी हियर कि 24 मई को पोस्ट करी गई है इंटर्न, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेनी रहेगी, और यहाँ पर आपको टोटल 1.5 ईयर का टाइम दिया जाएगा फॉर फुल टाइम पेड एंड परमानेंट जॉब रोल। एंड दिस विल जितना भी इसमें रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हो, बट जो मेजर चीज़ है वो ये है कि STEM बैकग्राउंड विल बी प्रेफर्ड बट नॉट रिक्वायर्ड, एंड बी अ रीसेंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट विद इन पास्ट 2 ईयर्स। सो इसमें 2022, 2023, 2024 ये तीनों बैच इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा है आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। हिताची कंपनी है, कंपनी अच्छी है, हिताची एनर्जी है ना। देन वी हैव अ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यूनाइटेड एयरलाइंस, सो यू कैन अप्लाई इन एसोसिएट एनालिस्ट ऑल्सो। इनने भी वही सेम चीज लिखी है, फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट विथ नो प्रायर एक्सपीरियंस। सो अगर आप बिल्कुल फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है, एंड बैचलर्स डिग्रीज विल बी रिक्वायर्ड। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डिलॉयट हायरिंग फॉर कंसल्टिंग एनिटी डिलीवरी एक्सलेंस क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस। ये 9 मई को पोस्ट करी गई है, जॉब लोकेशन हैदराबाद होने वाली है, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड की रिक्वायरमेंट लोगों ने मांगी है। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सेमटेक। सेमटेक इज हायरिंग फॉर इंटर्न डेटा एनालिटिक्स, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस, एंड क्वालिफिकेशन में इसमें MBA विद डेटा एनालिटिक्स विल बी प्रेफर्ड। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम स्काईपॉइंट, दे आर हायरिंग फॉर पाइथन डेवलपर इंटर्नशिप, यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में करंटली परसुइंग अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड मांगा है। स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स इन पाइथन विद फोकस ऑन रिटर्न क्लीन एफिशियंट मेंटेनेबल कोड, फैमिलिटी विद डेटाबेस, विलिंगनेस टू लर्न, अंडरस्टैंडिंग ऑफ SQL, बेसिक नॉलेज ऑफ डेटा मॉडलिंग, ये सब रिक्वायरमेंट्स में मांगा हुआ है। सो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सीमेंस, हायरिंग फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर UI, यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। सीमेंस की तरफ से हमें देखने को मिल रही है, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज लाइक HTML, CSS, JavaScript वगैरह की रिक्वायरमेंट मांगी है। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।